अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अभी मैं अपनी क्लासेस लेके फ्री हो चुका हूँ एंड मैंने अभी जाना है मस्कुलोस्केलेटन जो रिहैबिलिटेशन सोसाइटी है वहाँ पे रजिस्टर करवाने, और अली इस वक्त मेरे साथ है एंड तो चलें। यही तुम पहले रिकॉर्ड कर लेते तो मैं काफ़ी टाइम से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था बट मैं कर नहीं पा रहा था, सो फाइनली अभी मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी रिकॉर्डिंग चलती जाएगी टिल द एंड। सो आज हमारे कैंपस में बेसिकली मस्कुलर रिहैबिलिटेशन सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट है, तो मैंने सोचा कि मेरा 7th semester आ चुका है तो अभी मैं अपने आप को इसमें रजिस्टर करवाऊँ और आगे जो मेडिकल कैंप्स होंगे उसमें मजीद इंटरेक्शन होगा मेरा। सो बेसिकली इस टाइम बाहर बहुत ज़्यादा रश है, अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं थोड़ा सा तीसरी दफा, और मस्कुलोस्केलेटन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सारे लोग जो हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन करवाना स्टार्ट हो चुके हैं। वैसे मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लिया और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश है। अरमीन आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली? आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली? करवा ली। अस्सलाम वालेकुम अरमीन, क्या आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली? हम तो साजिद आप आना चाहेंगे। ओह हमजा साजिद ने हमें बहुत ही अच्छी बात कही, हमजा कह रहे कि अगर आप रजिस्टर नहीं भी करवाते फिर भी आप जा सकते हैं। अभी मैं यूनिवर्सिटी से वापस आ चुका हूँ ओरिएंटेशन स्टेशन पे और अभी फिर मैं लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ एंड देन फिर मैं अभी फ़िलहाल मैं लिफ्ट में हूँ और यहाँ से मैं सीधा अकेडमी जाऊँगा जहाँ मैं पढ़ाता हूँ और उसके बाद फिर मैं पढ़ाने के बाद घर जाऊँगा। तो बेसिकली जहाँ पे मैं टीचिंग करता हूँ वहाँ पे मैं इस टाइम फ़िलहाल आ चुका हूँ, यहाँ पे मैं एकेडमी में पढ़ाऊँगा एंड उसके बाद फिर मैं वापस जाऊँगा तकरीबन कोई 1-1.5 घंटे बाद घर जाऊँगा और फिर आगे फर्दर आपको मिलता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से लूँगा अमरूद क्योंकि इस टाइम मुझे भूख इस कदर लगी है, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं। सो अभी मैं अकेडमी से पढ़ा के वापस आ चुका हूँ, मेरे साथ इस टाइम है इफ्रा। इफ्रा आना चाहोगी? आज इधर चला। इफ्रा मेरे साथ है। इफ्रा कल कहाँ गई थी? हैं इफ्रा कल गई थी शादी पे और क्या खाया था वहाँ पे बताओ? मुंह सारा गंदा किया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल मैं अकेडमी से आ चुका हूँ तो उसके बाद मैं खाना वगैरह खाऊंगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं तैयारी स्टार्ट करूँगा मेरे क्विज़ की, और वो क्विज़ है मैनुअल थेरेपी का जो कि सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तो अभी स्टार्ट किया तो फिर। सो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करके फ्री हो चुका हूँ, तो मैंने बनाने हैं अकेडमी के कुछ टेस्ट क्योंकि बच्चों के टेस्ट सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मेरे पास ये कुछ मोनोग्राम्स हैं इनके ऊपर मैंने पेपर बनाना है और फिर मैं सर को दे दूँगा वो कंपोज करके, जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन बच्चों को मिल जाएगा क्लास में। तो ये था मेरा पहला काम। तो दूसरा टास्क मेरा ये है कि मेरा क्विज़ है कब है, बुध वाले दिन परसों, तो इस बुक से तैयार करना जिसका नाम है कैल्टन बॉन्ड, ये मैनुअल थेरेपी की बुक है, मैनुअल मोबिलाइजेशन ऑफ द जॉइंट्स, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप इसको समझ के पढ़ें तो हो जाएगा, हाँ अगर कोई डीपीटी कर रहा है। दूसरा ये कि फ़िलहाल आज के दिन में ऐसा कोई मुझे कंटेंट मिला नहीं कि मैं एक प्रॉपर व्लॉग रिकॉर्ड करता, जो जो व्लॉग में मुझे मिलता गया मैं रिकॉर्ड करता गया। तो अभी फ़िलहाल ये है कि मैंने सोचा था कि मैं आज ही वीडियो अपलोड कर दूं, तो कोशिश करूंगा कि मैं अपलोड करूं वीडियो। क्या बकवास करी जा रहा है। अच्छा मेरा दोस्त है वो होता है रिफाइन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद में, तो उसने मुझे कहा था कि अपने कैंपस का एक टूर वीडियो बनाओ, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपने कैंपस की टूर वीडियो बनाऊंगा क्योंकि हमारा नया जो कैफ़े है सिम्पोजियम वो भी ओपन हो चुका है, और उसके अलावा मैं लाइब्रेरी भी पूरी दिखाऊंगा कि लाइब्रेरी कैसी है कैसी नहीं है, पूरा कैंपस आ जाएगा। उसके अलावा जो छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स आई हैं कैंपस के अंदर, उसके अलावा जो OPD तैयार की गई है उन्होंने UMC के नाम से, यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर, तो UMC का मैं विज़िट करवाऊंगा और जहाँ पे हम प्रैक्टिकल्स करते हैं जहाँ पे हमारी लैब्स होती हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और स्पेशली उसने कहा था वीडियो बना दो, और उसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे भी एक लड़के ने कहा था कि UMT का जो अलाइड हेल्थ साइंसेज का कैंपस है उसकी प्रॉपर एक आप टूर रिकॉर्ड करके अपलोड करो, क्योंकि उसका कज़न आई थिंक एडमिशन लेना चाह रहा था, पता नहीं उसके कज़न ने एडमिशन लिया नहीं लिया, ये उसने मुझे एडमिशन से पहले काफ़ी टाइम पहले बोला था, तो इंशाल्लाह मैं ये ज़रूर करूँगा। तो
आज की मेरी अचीवमेंट यही थी कि मैंने एमएस के सोसाइटी में अपना नाम रजिस्टर करवा दिया, मस्कुलोस्केलेटन रिहैबिलिटेशन सोसाइटी, जो कि यूएमटी के अंदर होती है, ये अलाइड हेल्थ साइंसेज वालों के लिए। सो कुछ इतना खास नहीं था। हाँ अच्छा, मैं आगे खाता हूँ, व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था तुम। तो आज का व्लॉग सिर्फ इतना ही है, छोटा सा व्लॉग है, इसको उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, जिन्होंने नहीं किया मैं कुछ भी नहीं कर सकता उनके लिए। तो ये जितना भी व्लॉग रिकॉर्ड हुआ, छोटा सा व्लॉग था आज का, इतना ही व्लॉग है। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट व्लॉग्स आएंगे मैं कोशिश करूँगा पूरे दिन का ही जो भी होगा